भारत ने पुणे में खेले गए फ्रीडम क्रिकेट सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच में दक्षिण अफ्रीका को एक पारी और 137 रनों से हरा दिया है और इसके साथ ही तीन टेस्ट मैचों की सीरीज पर भारत का कब्जा तय हो गया है। भारत ने विशाखापट्टनम में खेले गए पहले टेस्ट को जीतकर सीरीज में बढ़त बनाई थी और अब पुणे में इस बढ़त को 2-0 कर दिया। सीरीज का अंतिम टेस्ट मैच 19 अक्टूबर से रांची में खेला जाएगा। इसे जीतकर भारत सीरीज 3-0 से क्लीन स्वीप करना चाहेगा। कल अफ्रीका की पहली पारी 275 रनों पर आउट हुई, तभी से ये तय हो गया था कि इस मैच को बचाना अफ्रीका के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है, क्योंकि अफ्रीका पहली पारी के आधार पर 326 रन पिछड़ गया था। वैसे भारत के लिए 400 रनों से ज्यादा की हो सकती थी, लेकिन अफ्रीका के लिए 90 विकेट के लिए केशव महाराज और वर्नोन फिलेंडर ने 109 रन जोड़कर टीम को 250 से ऊपर पहुँचाया। आज सुबह जब खेल शुरू हुआ तो टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने दक्षिण अफ्रीका को फॉलो ऑन दे दिया। दक्षिण अफ्रीका के लिए यह फॉलो ऑन किसी बुरे सपने से कम नहीं था, क्योंकि टीम 11 साल बाद फॉलो ऑन खेल रही थी। पिछली बार 2008 में इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स में दक्षिण अफ्रीका को फॉलो ऑन खेलना पड़ा था और भारत के खिलाफ तो दक्षिण अफ्रीका पहली बार फॉलो ऑन खेल रहा था। फॉलो ऑन खेलते हुए दक्षिण अफ्रीका की दूसरी पारी की कहानी भी पहली पारी जैसी ही रही। दक्षिण अफ्रीका का पहला विकेट स्कोरबोर्ड शुरू होने से पहले ही गिर गया। मार्करम शून्य पर ईशांत शर्मा की गेंद पर LBW हो गए। टीम का स्कोर 79 पहुँचते पहुँचते आधी टीम आउट होकर पवेलियन पहुँच गयी। मार्करम के बाद ब्रायन 8 रन बनाकर उमेश यादव की गेंद पर विकेट के पीछे शाह को कैच दे बैठे। कप्तान डू प्लेसिस 5 रन बनाकर अश्विन की गेंद पर जंप हुए तो अश्विन का अगला शिकार डीन एल्गर बने, उन्होंने 48 रन बनाए। इसके बाद जडेजा ने पहली क्विंटल डी कॉक 5 को बोल्ड किया और फिर बाबूमा को 48 के स्कोर पर आउट कर दिया। निचले क्रम में वैन फिलेंडर और केशव महाराज ने पहली पारी की तरह दूसरी पारी में भी टीम को संभालने की कोशिश की, लेकिन भारतीय गेंदबाजों के आगे अफ्रीकी निचला क्रम ज्यादा देर तक नहीं टिक सका। वैन फिलेंडर 37, केशव महाराज 22 और रबाडा 4 रन बनाकर आउट हुए और दक्षिण अफ्रीका की दूसरी पारी 189 रन बनाकर आउट हो गयी। भारत के लिए उमेश यादव और रविंद्र जडेजा ने 3-3 और आर अश्विन ने 2 विकेट लिए। पहली पारी में चैंपियनशिप के लिए भारत को 40 पॉइंट मिले और उसके कुल 200 पॉइंट हो गए। भारत अभी 8 पॉइंट टेबल में पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर मौजूद श्रीलंका और न्यूजीलैंड के सिर्फ 60-60 पॉइंट हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।